हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली कल्पना क्रिएटिव व्लॉग्स। और आज सुबह जैसे ही उठे तो व्लॉग की शुरुआत मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि इतना अच्छा वेदर था बाहर का, स्नोफॉल हुआ है हिमाचल में एंड आई एम रियली हैप्पी। बहुत अच्छा मौसम था मॉर्निंग का, ठंडा ठंडा सा। और आप सभी को भी हैप्पी स्नोफॉल। जो लोग आउट ऑफ हिमाचल हैं वो लोग बर्फ़ को नहीं देख सकते, तो उन्हें थोड़ी सी स्नोफॉल है ना वो दिखा दिए, दर्शन करा दिए हैं। सो बहुत अच्छा वेदर था आज का मॉर्निंग, मतलब मज़ा आ गया। मौसम है ना, वो तो मतलब भयंकर है बाहर। इतनी मतलब बारिश लगी है, 3 दिन हो गए कंटिन्यू, और अंदर अंदर ना। और आपको बता दूँ ना, बेडिंग जो है ना 3 दिन से ऐसे ही है, छेड़ी भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, आधी अभी आराम से सो रहा है रात को। ये देखिए कपड़े पीछे, टावल वगैरह इसके सूख ही नहीं रहे थे। और 3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश आते आते, आज तो बर्फ़ ही लगी। मुझे लगता अगर ऐसे ही रहा ना तो यहाँ घर तक पहुँच जाएगी। 2019 में पहली बार बर्फ़ आई थी रामपुर में, काफ़ी टाइम बाद। और अभी शायद इस बार फिर से लग रहा है अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ भी आ जाएगी। टच कर दिया है वैसे, जो सामने वाला एरिया आपने देखा वो टच कर दिया है, शाम तक शायद आ सकती है। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना, शॉल मैंने ओढ़ के रखी है और आधी ना आराम से सो रहा है। मतलब इतना जगाता है, 3 से 4 बार तो उठता ही उठता है। और कुछ दिन से मैं डायपर भी नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि जब उठना ही है तो फिर क्यों पहनाना। और वैसे भी डायपर इससे इसे इरिटेशन सी होती है। सो वन और टू टाइम में जाता है रात को सुसु, अदरवाइज़ कई बार जाता भी नहीं है। क्योंकि गरमाइश बच्चे को अगर होना तो फिर वो सुसु ज़्यादा नहीं करता, ठंड हो तो वो बहुत करता है। अभी आराम से सो रहा है, हमारी नींद रात को आराम करके। ये देखिए वैसे तो अब ठीक हो जाता है बेबी, बट इसका ये है ना, ये डे टाइम में सोता रहता है। अभी 6 से 11 बजे तक आराम से सोएगा, मतलब इतना सोएगा कि इसको अभी कोई भी बात करो ना उठेगा नहीं, अंगड़ाई ले रहा है देखो। और बस अभी फ़िलहाल ये चाय हमने पी है जस्ट अभी, और अभी थोड़ी देर में बैठूंगी, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ कुछ, और उसके बाद तो फिर करते हैं डे की शुरुआत। डे की शुरुआत क्या, 3 दिन से ना ऐसे ही है यार, मूड मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता। बिस्तर में ही हम लोग तो, और आप लोग भी शायद बिस्तर में ही होंगे, तो क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। डेली नहाते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, बट वो ऐसे ही देखो वहाँ पे पड़े हैं, कुछ अंदर रूम में पड़े हैं, बस ड्राई करके ना ऐसे कमरों में ही फैला रखे हैं। कल शायद मौसम साफ बताया है तो कल थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, अभी फ़िलहाल मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। और आज हमारा जो ब्रेकफास्ट था सो वो नहीं हुआ, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट मतलब किसी का मन ही नहीं था करने का, दिन भी छोटे हैं। तो हमने ना 11:30-11 बजे के आसपास लंच बना दिया था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ कोल्थ की दाल। कोल्थ जिन लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि ये बहुत गर्म होती है सर्दियों के लिए, और आपको लगता होगा यही बनाते रहते हैं। सो इसमें ना सुबह फादर इन लॉ काफ़ी अच्छा चार बनाते, तो उन्होंने इसमें अरबी को मतलब फ्राई किया था, तो शाम को पकौड़े बनेंगे इसलिए कढ़ाई ऐसी रखी है। सो कोल्थ की दाल बन रही थी, और आप लोग सोचेंगे मतलब हर व्लॉग में कोल्थ ही कोल्थ दिखते हैं, तो हम वीक में 3 टाइम्स तो बनाते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत अच्छी होती है, बहुत गर्म होती है, और मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है क्योंकि आदि भी छोटा है अभी, तो सर्दी में गर्म चीज़ें खाना सही रहता है। और इसके बाद जो है सारे बैठ गए थे हम लोग, क्योंकि आज ना मौसम क्या बताऊँ, दिन भर लगा था तो सारे दुबक के बैठे थे रज़ाई में, और यहाँ पे दादी आदि के साथ खेल रहे थे, तो आज हम ऐसे ही बैठे थे सारे। और बिस्तर भी हम लोगों के ऐसे ही थे, अब क्या मतलब सर्दी में ऐसा ही होता है ना। और ये देखिए मैं आदि के लिए स्वेटर लगा रही हूँ, मतलब तो अभी लगा के रखी थी। और शाम का टाइम था, पकौड़े बन गए थे, तो पनीर के पकौड़े हैं और कुछ गोभी के हैं। सो इसके बाद यहाँ पे हम लोग बैठ गए, तो आदि देखिए अपने पापा के साथ कितना एंजॉय करता है, बहुत खेलता है, खुश रहता है बहुत ज़्यादा। बस उसको ऐसे खेलने को चाहिए कि उसे कोई खेलता रहे, नचाता रहे। एवरीवन, सो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 5:30 बजे के आसपास, और ये है गर्मा गर्म चाय और साथ में मेरी पढ़ाई। और मौसम आज साफ है, थोड़ा सा धूप लग जाएगी, और यहाँ पे हीटर ऑन है, आदि माँ से अंगड़ाई ले रहे हैं।
तो मैंने सोचा अभी ना पढ़ लेती हूँ, थोड़ा इसको नींद आती है अभी गहरी। सुबह का टाइम हो रहा है, मैंने सोचा अभी टाइम है तो थोड़ा पढ़ लेती हूँ। और ये देखिए मतलब इसको अभी गहरी नींद आती है, ऐसे आंखें खोलता रहता है फिर बंद कर देगा। और आज मौसम अच्छा है, साफ है, धूप होगी और मुझे नहीं पता ठंड होगी, ठंड वाली धूप होगी कैसा होगा। आज नेक्स्ट डे है तो मैंने सोचा 2 दिन का ब्लॉग कट्टी डाल दूंगी। सो हिमाचल में ना ज़बरदस्त स्नोफॉल हुआ है, ज़बरदस्त वाला। सो यहाँ रामपुर टच नहीं किया बट मेरे गांव वाले घर में मायके साइड बहुत अच्छी बर्फ़ आई है। सो चलिए आपसे मैं बाद में मिलूँगी, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ क्योंकि अभी आराम से सो रहा है। इसमें बना रही हूँ आदि के लिए सॉफ्ट टॉय और वो भी क्रोशे से। सो इसका जो वीडियो है ना बहुत जल्दी आएगा, पहले मैं बना देती हूँ। अभी जो टाइम है 1:30 बजे के आसपास हो रहा है। लंच में हमारा शाम का चिली चीज़ बचा है और साथ ही साथ दाल भी है गोल्ड की जो कल बनाई थी। और मैं अभी अभी जाके आई हूँ, थोड़ी सी फूल लानी थी मुझे। सो मेरी फ्रेंड की शॉप है यहीं साथ में ही, तो बहुत अच्छी है। अगर आपको चाहिए होंगे स्वेटर्स वगैरह मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी। मैं वहाँ से आदि के लिए एक स्वेटर लेके आई हूँ, आपको चाहिए होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर मैं आपको अपनी फ्रेंड का कांटेक्ट नंबर दूंगी अगर आपको चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन है। सो अभी ना मैं आराम से बैठी हूँ, टीवी देख रही हूँ और चिल कर रही हूँ। मतलब धूप लगी थी बाहर बहुत तेज आज, तो इस वजह से मैं धूप में नहीं बैठी। सो चलिए अभी मैं अपना फिनिश कर देती हूँ काम, फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट डे की क्लिप थी, क्योंकि पिछले कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, लाइट चली गई थी क्योंकि मौसम बहुत ख़राब था। आज थोड़ा सा अच्छा था तो सोचा आदि के जो कपड़े हैं ना 3 दिन से उन्हें सुखा देती हूँ। वॉश किए हुए भी अंदर कमरे में ऐसे ही टांग के रखे थे, पूरा कमरा कपड़ों से भरा हुआ था, मतलब जगह ही नहीं थी। और रूम भी काफ़ी मतलब मैसी लग रहा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आज सोचा चलिए इन्हें तो सुखा दूँ ताकि फ़ोल्ड करके रखने में आसानी हो और ऑर्गेनाइज भी रहें सारे कपड़े, वरना मुझे मैसी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तीसरा दिन हो गया था आज कंटिन्यू बारिश होते होते, आज मॉर्निंग भी थी बट क्लियर हो गया था। सो इन्हें भी उठा के सब रख रही थी, फोल्ड बाद में करूँगी क्योंकि अभी हमने आदि का फोटोशूट करना है। उठा दिए हैं और अभी ना हम आदि का करने वाले हैं फोटोशूट 4th मंथ का, बिकॉज आदि जो है वो 4 महीने का होने वाला है कल 12 को। सो एक सेकेंड, तो फोटोशूट है ना, सो इसके पापा और मैं करने वाले हैं। और ये लिख लिया है मैंने यहाँ पे 4। सो ये हमारे पिछले साल हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। सो ये तब के बैलून है पता आपको, तो हमें ना कोई भी चीज़ और हस्बैंड भी कोई भी चीज़ फेंकते नहीं है। सो हमने तब के बैलून संभाल के रखे हैं, इवन बहुत सारे थे, 1-2 तो हमने फुस कर दिए थे बट उसके बाद जो बाकी थे ना हमने उनकी हवा निकाल के उन्हें रख दिया था, क्योंकि बहुत सारे बैलून क्या बच्चों की तरह हमने फूस करने थे, तो बहुत सारे बैलून थे हार्ट शेप के, हमें लगा कभी काम आएंगे। और ये देखिए उसमें से एक ये काम आ गया आज, और ये है इस पे लिखा है 4, आपको उल्टा 4 नज़र आ रहा होगा। सो ये 4 मंथ का है, मतलब आदि जो है ना 4 मंथ का होने वाला है कल, तो इसलिए इसमें 4 लिखा है मैंने वाटर कलर से। और सूखने के लिए छोड़ रही हूँ अभी, और आदि को ड्रेस पहना रही हूँ कि सर्दियाँ हैं तो मतलब गर्मी की ड्रेस उसके पास बहुत सारी है, बड़ी प्यारी प्यारी, वो तो नहीं पहना सकती, तो मैंने सोचा एक स्वेटर पहनाती हूँ। बहुत प्यारी स्वेटर है, आपको दिखाती हूँ मैं। और अगर आपको वो स्वेटर चाहिए होगी ना तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अगर आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए होगी, क्योंकि ये मैंने अपनी फ्रेंड की शॉप से ली है। सो साथ में है घर के साथ उसकी शॉप, अगर आपको चाहिए होगी ना तो बताना, इसमें बहुत प्यारा डिज़ाइन है। सो चलिए आपको दिखाती हूँ वो स्वेटर, और बहुत प्यारा कलर है, वाइट कलर में है ये, इसमें टैडी बने हैं 2, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। व्हाइट कलर के आदि के पास कुछ था भी नहीं, थोड़ा बड़े साइज़ में है तो अभी तो हम यूज़ नहीं करेंगे इसे, बट फोटो के लिए आज मैं फ़ोटोशूट के लिए इसे पहना रही हूँ आदि को। बहुत प्यारा डिज़ाइन है इसका, और ये देखिए जो मैंने लगाया हुआ है। सो ये भी हाफ हो चुकी है, सो ये मैंने वूल रखा है वहाँ पे। बेड बाय द वे अभी मेस है ना, बट यहाँ पे अभी फोटोशूट करेंगे आदि का, अभी ऊपर अपनी दादी के साथ खेल रहा है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये स्वेटर कैसी है।
मैंने आदि का फोटोशूट किया था ना, क्योंकि नीचे बेडशीट है कलरफुल है, तो मैं ब्लैक जो शॉल होता है ना उस पर करूँगी, क्योंकि ब्लैक पे वाइट बहुत अच्छा जाएगा, और वैसे भी बाहर बर्फ पड़ी है ऊपर, तो वाइट वाइट स्नोई स्नोई सा अच्छा लगेगा, और ब्लैक कलर के शॉल पे अच्छा जाएगा, मतलब रेड कलर का वो बैलून हो गया और ये स्वेटर प्लस इसमें रेड भी कॉम्बिनेशन है, तो परफेक्ट आएगा एक फ़ोटोशूट के लिए, परफेक्ट एक जो पिक्चराइजेशन होती है ना वो प्रॉपर आएगी। सो अभी तो आदि परे है, मैं भी जाती हूँ परे, और आदि के लिए ना मैं DIY टेडी भी बना रही हूँ, अच्छा बनेगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे बनाया है। सो चलिए उसको पहले इधर लाते हैं, फिर उसकी तैयारी करते हैं, फिर उसका फ़ोटोशूट करते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट चलिए जाते हैं परे। सेट अपने फोटोशूट के लिए है ना मम्मा, है ना बेटू, 4 मंथ वाला फोटोशूट। सो मैंने सोचा था सुबह नहलाने के बाद करूंगी, नहलाने के बाद सीधे सो गया, और ये देखिए बस इसको जो है ना, बस ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, इसको बस वो स्वेटर पहनानी है, और शॉल भी हस्बैंड ला दी है उन्होंने। तो चलिए करते हैं आदि का 4 मंथ का फोटोशूट मम्मा। गॉड लाइट ही चली गई है, जब भी फोटोशूट। हाँ मम्मा, डर गए हो आप? डर गए हो मम्मा आप? जब लाइट जाती है ना बिल्कुल दुबक के बैठ जाता है गोद में। फोटोशूट के टाइम आदि की स्माइल देखिए आप, इतने प्यारे प्यारे पिक्स आए हैं इसके, और थोड़ी वीडियो भी मैं साथ साथ बना रही थी आप लोगों के लिए, मुझे लगा कैप्चर करूं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये बड़ा हो जाएगा तो इन सारे मोमेंट्स को देखेगा, व्लॉग्स में देखेगा, सो मेरे लिए वो सबसे अच्छी मतलब हैप्पीनेस की बात। ये अपना शूट करके हो गया है फ्री, राम से मम्मा की गोद में बैठा है। अरे 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 मम्मा, अरे मम्मा, अरे मुझे हाय, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। ये देखिए कैसे देख रहा है, अभी जस्ट अपना शूट करके फ्री हुआ है, और इसका ना चेंज भी कर दिया है मैंने फटाफट से, क्योंकि ठंड बहुत है और बाहर तो बर्फ़ है। सो बर्फ़ में हुआ है आदि का शूट। सो अभी जो है शाम का टाइम हो रहा है, इस व्लॉग को भी एंड करी क्योंकि कल से व्लॉग चला है। आई होप आपने व्लॉग इन्जॉय किया होगा, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, एंड हैप्पी स्नोफॉल टू ऑल गाइज। हिमाचल में तो पड़ गया है, और जो लोग आउट ऑफ हिमाचल है आप लोग देख के मन भर लीजिए। सो अभी शाम का टाइम में देखिए मुझे कितना काम है, अभी ये मेस है यहाँ पे, और आदि का जो टैडी है ना वो बन के रेडी होने वाला है। सो आज आदि का टैडी है वो रेडी हो जाएगा, मॉर्निंग मैंने लगाया था, बहुत ईजी है बनाना, शेयर करूँगी कैसे बनाया है। और वो देखिए सोफे पे हैं कपड़े, इतना सारा काम है ना, और बेड भी अभी मैस हुआ था, और हेडेक भी हो रही है। हाँ बात करनी है आपको, बात करो करो बात, फिर आप बात करो चपके चाहते। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना, लॉट्स ऑफ लव, स्टे होम स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। और यहाँ पे सरप्राइज मिल गया, शाम को भाई आ गया मेरा आदि के मामू, और आराम से हमारे साथ काफ़ी देर बैठा, आज ही आया था ये, काफ़ी दिन के लिए आया, लोहड़ी के लिए आया घर, और अपने मामों के साथ आदि बहुत खुश था, बहुत इंजॉय कर रहा था। पहले तो घूर रहा था कि कौन है ये, क्योंकि जब भाई आया था तो बहुत छोटा था आदि, 1 मंथ का ही था, तो अब तो खैर 4 मंथ का होने वाला है, तो इसके लिए भाई जैकेट लाया था। सो फिर बोल रहा था कि दी पहना के देखो कैसा लग रहा है, और बहुत अच्छा लगता है ना मतलब, और भाई भी मतलब कहीं जाता है ना और देखता है कुछ, कोई भी चीज़ हो फ़ोन करता है मुझे कि दी भाई आदि के लिए ये लेके आता हूँ वो लेके आता हूँ। सो मतलब होता ही है जब घर पे छोटा बेबी हो ना तो सबकी नज़रें फिर उसी पे होती है। तो यहाँ पे आदि का मैं ट्राई कर रही थी, ये आदि का नया जैकेट उसके मामू लेके आए हैं, सो बहुत प्यारा लग रहा था, इसमें वाइट कलर का है ये, वाइट और स्काई ब्लू कलर की प्रिंट्स हैं इसमें। सो बस हम लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, और हस्बैंड यहाँ पे मेरी बैक पिचिंग कर रहे थे भाई के साथ, बैक पिचिंग तो नहीं बोलूँगी, हाँ बता रहे थे कि हाँ मुझे देखना पड़ता है आदि ये वो। सो यही होता है, क्योंकि जो न्यूली पेरेंट्स होते हैं ना वो फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, क्योंकि सुबह शाम ये देखिए आदि कितना प्यारा लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। सो न्यूली जो मम्मी पापा बने होते हैं ना उनको मतलब थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी हो जाती है, इरिटेशन भी हो जाती है बेबी के साथ, तो बस ये मेरी सुना रहे थे और मैं इनकी सुना रही थी। सो भाई पक गया था हमारी गप्पे सुन के, तो काफ़ी टाइम हमने अच्छा स्पेंड किया, ये भी 1.5 घंटा बैठा तो बहुत अच्छा लग रहा था।
सो अभी यही है 4-5 दिन, तो आता रहेगा शाम शाम को। सो आज का व्लॉग गाइस यही था, उम्मीद है पसंद आया होगा आपको। सो आदि का फ़ोटोशूट इतनी बर्फ़ थी बाहर, फिर भी मैंने किया, बताइएगा कैसा लगा। और छोटे छोटे मोमेंट्स है जो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। 4 मंथ का हो गया आदि फाइनली, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही, 4 महीने का पता ही नहीं चला। और आप लोगों ने भी साथ साथ मेरी जर्नी ये इंजॉय की है, मतलब जब मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी तब के व्लॉग्स भी इंजॉय किए हैं, उसके बाद आदि जब हमारी लाइफ में आया उसके बाद भी आप लोग कंटिन्यू देखते हो, आदि को बहुत प्यार देते हो, बहुत ब्लेसिंग देते हो, और थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, शेयर कीजिएगा वीडियो, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छी लगती है अगर आपको। और कोई इस अलमारी का ना जो आदि को वार्डरोब लिए इसका लिंक मांग रहा था, तो आप अमेजोन मीशो पे सर्च कर लेना तो मिल जाएगा आपको, ये कहीं भी मिल जाती है मतलब किसी भी साइट पे, बट अमेजोन फ्लिपकार्ट और मीशो पे अच्छी मिलती है, मतलब कई बार प्राइस जो है वो अप्स एंड डाउन चला रहता है, तो लिंक मुझे देखना पड़ेगा। और आपको पता है आजकल टाइम नहीं होता इतना मेरे पास, तो आप देख लीजिएगा। मुझसे मांग रहे थे एक दो, मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था, तो आप चेक कर लीजिए, बहुत अच्छी है। मेरा तो काफ़ी अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आदि बच्चे के साथ कपड़े बहुत मैसी होते हैं, बट इसके साथ चीज़ें ना ऑर्गेनाइज रहती है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं इसका रिव्यू सोच रही हूँ अलग से शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए, लॉट्स ऑफ लव।